श्रीलंका के खिलाफ वार्म अप में आया सूर्या का तूफान, शतक लगाकर जिताया हारा मैच। जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट के एक और नए वीडियो में। दोस्तों मेलबर्न में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए वार्म अप मुकाबले में सूर्य कुमार यादव का बल्ला जमकर गरजा है और भारतीय टीम को एक हारे हुए मैच में अंतिम ओवर में तूफानी बल्लेबाजी करके एक रोमांचक जीत दिलाई है। आपको बताएंगे वार्म अप मैच की रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट। तो अगर आप भी सूर्या के फैंस हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ मेलबर्न के मैदान में खेले गए वार्म अप मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जिसके बाद बल्लेबाजी करने श्रीलंका की टीम ने शानदार शुरुआत करी और 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 190 रनों का पहाड़ भारतीय टीम के सामने खड़ा कर दी। दोस्तों श्रीलंकाई टीम की तरफ से पाथुंस निशाका और कुशल मैंडिस की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 6 ओवर में 60 रन जोड़ डाले। तो वहीं मिडिल ऑर्डर में भानुका राजपक्षे के 60 रन और चरित असलंका के ताबड़तोड़ 50 रनों की धमाकेदार पारी की बदौलत श्रीलंका ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 200 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। वहीं भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा चतुर चहल ने 3 विकेट लिया, तो वहीं हर्षल और अर्षदीप ने भी एक एक शिकार अपने नाम किया। अब 190 रनों के पहाड़ का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को भी अच्छी शुरुआत की जरूरत थी। ऐसे में कप्तान रोहित और राहुल की जोड़ी जब मैदान पर आई तो इस बार भी राहुल ने पहले हल्ला बोलते हुए लंकाई गेंदबाजों पर टूट पड़े और 35 गेंदों में ही 50 रन ठोककर लंकाई खेमे में खलबली मचा दी। हालांकि दूसरी तरफ रोहित एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए, तो वहीं कोहली भी रंग में नजर नहीं आए, जिसकी वजह से टीम इंडिया ने 50 रनों के अंदर ही अपने 2 विकेट गवा दिए। तो वहीं राहुल भी अर्धशतक बनाकर चलते बने। ऐसे में एक बार फिर भारतीय टीम के लिए मसीहा बनकर आए सूर्य कुमार यादव। दोस्तों सूर्या ने हार्दिक के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी करके टीम इंडिया को अंतिम ओवर में जीत दिला दी। इस दौरान सूर्या का बल्ला जमकर बोला, उन्होंने सिर्फ 40 गेंदों में ही 10 छक्के की मदद से शतक जड़कर तहलका मचा दिया। दोस्तों सूर्या की बल्लेबाजी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।